तो उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। मायावती ने आज एक्स पर पोस्ट किया कि और उन्होंने बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयायियों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले मान्यवर कांशीराम जी की आज पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना जीवन व सब कुछ बीएसपी मूवमेंट को न्यौछावर करने के लिए उनके संघर्ष से यूपी में बीएसपी को 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुजन नायक कांशीराम जी को पूरे देश में बीएसपी के लोगों ने तहे दिल से स्मरण किया है और बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पण। और कांशीराम जी, आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। यूपी में बसपा को दलितों का समर्थन प्राप्त है, हालांकि पिछले चुनावों में मायावती का कोर वोट बैंक उनसे छिटक गया था। अब मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने भी नई रणनीति बनाई है। दलित वोट बैंक के सहारे एक बार फिर केंद्र की सत्ता में वापसी की तैयारी है। वहीं दलित आबादी का अगर प्रतिशत की बात करें यूपी में तो वो करीब 22% है और बीजेपी का मानना है कि बड़े वर्ग को साथ कर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने में भी दलितों के समर्थन की दरकार होगी और दलितों का साथ मिलने से बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। लेकिन बीजेपी जहां दलितों के बीच दस्तक दे रही है, दूसरी तरफ मायावती अब कांशीराम की याद दिलाकर बसपा के वोटर को पूरी तरह से अपनी ओर करना चाहती हैं। कांशीराम कई नाम से जाने जाते थे, बहुजन नायक, मान्यवर या साहेब, लेकिन 20 सदी के अंतिम दशक में कांशीराम भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में एक चमकता हुआ सितारा बन गए थे। उन्होंने दलित राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अपना बनाया और अपनी राजनीति से ज़्यादा दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो खुद देश में जातिवाद, अपृश्यता और भेदभाव के शिकार थे। सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने इस भेदभाव को झेला था और दलितों को उनके हक दिलाने की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया था और उसमें काफ़ी सफल भी रहे। उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया लेकिन खुद कभी कोई पद नहीं लिया था। उन्होंने अपने सरकारी दफ्तर के ही ऑफिस में पाया कि जो कर्मचारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे उनके साथ जातिवादी भेदभाव किया जाता था। 1964 में इसे खत्म करने के लिए वो एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और बताया जाता है कि उन्होंने ये फैसला डॉक्टर अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़कर लिया था। आज कांशीराम जयंती है और इस दिन को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी दलित वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस ने 9 अक्टूबर से यानी आज से दलित गौरव संवाद शुरू किया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अप्रैल में ही रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर दलित प्रेम का सबूत दे चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के बाद अब सपा और कांग्रेस की नज़र बसपा के वोट बैंक पर पड़ गई है। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को राज्यभर में कार्यक्रमों और कार्यकर्ता सम्मेलन की सीरीज शुरू करेगी। लखनऊ और नोएडा में कांशीराम प्रेरणा केंद्र में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का जमघट लगेगा। अब देखना है कि मायावती अपने कोर वोट को कैसे बचाती हैं और कांशीराम की याद दिलाकर बसपा अपने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उन्हें कैसे एक बार फिर से भावनात्मक रूप से पार्टी से जोड़ती है ताकि उसका फायदा आने वाले चुनाव में मिले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।